यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आज मैं अपने इस खास कार्यक्रम में मैं आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है मिस्टर डीके दुबे जी। मिस्टर डीके दुबे जी, आप संविधान के एक बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने अपना बहुत समय दिया हमें। सर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, बोलिए, आगे बोलिए। सर, आज के वीडियो में हम आपसे देश के कुछ जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसके बारे में सर चर्चा करेंगे कि हाँ, किस तरह से हमारे ही देश के जो राजनीतिक पक्ष हैं और जो सर विपक्ष की पार्टियां हैं वो कभी किसी गैंगस्टर के एनकाउंटर पर राजनीतिक रोटियां सेकने लगती हैं। सर, ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं और ऐसा हो रहा है। अच्छा, चलिए सर, हम विकास दुबे पे हम आपसे बात करते हैं। हाँ। सर, विकास दुबे को जब ले आने की बात चल रही थी तो बात मीडिया में ये फैली थी कि उनको चार्टर्ड प्लेन से लेकर आया जाएगा, लेकिन सर उनका प्लान बदल जाता है और वो बाई कार लेकर के आते हैं और सर रास्ते में उनकी कार बदल भी जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है सर? देखिए, कार बदल गई या नहीं बदल गई ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लोगों ने दूर से कैमरा लेकर बताया कि इसमें बैठे थे, उसमें बैठे थे, फला में बैठे थे, धमाके में बैठे थे। हमारे यहाँ कोर्ट का ये सिस्टम है, हम मीडिया रिपोर्ट्स को अपने यहाँ एविडेंस नहीं मानते और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कोई एविडेंशियरी वैल्यू उसकी होती नहीं है। कोई पेपर कटिंग और इसके उसके आधार पर हम कभी केस नहीं चलाते। हाँ, हमें अगर वो मिलता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन तह में जाता है, गाड़ी बदली होगी तो कुछ और भी एविडेंसेस आए होंगे, वो देखे जाएंगे। गाड़ी बदली कि नहीं बदली ये अभी कंफर्म नहीं है। दूर से मीडिया वालों ने कैमरे लगाए और कहा ये देखिए ये बैठा हुआ है। अब वो बैठा हुआ है, उसकी पीठ दिख रही है, मुंह दिख रहा है, क्या दिख रहा है कुछ पता नहीं है, इसलिए उस पर ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी गाड़ी बदली गई थी कि नहीं बदली गई थी। इसकी क्लियर कट अभी एविडेंसेस नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन से उसको लाना था। अरे भैया, ये सब मीडिया ट्रायल चल रहा था, सारी मीडिया हिंदुस्तान की, उसको तो पुष्पक विमान पर भी ला सकते हैं। सर, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद अभी बात हो रही है कि आज दोपहर में होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन सर मीडिया ने लगातार सवाल जब पूछा तो पुलिस की तरफ से भी ये क्लियर जवाब अभी तक नहीं दिया गया। तो सर, मीडिया ट्रायल तो होना है इस पे, मीडिया तो अपना काम कर, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं चल सकता। आप मीडिया ने क्या पूछा जिसका जवाब चाहिए? सर, पुलिस का जो गाड़ी थी, जो एसटीएफ की गाड़ी थी, वो सर रास्ते में कैसे बदल गई, इसका भी सीधा जवाब नहीं दिया गया। अरे भैया, आपको बताया ना कि गाड़ी बदल गई नहीं बदल गई, जो टीम गई हुई थी वो अस्पताल में एडमिट है, जो टीम गई हुई थी उससे पूछताछ शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट लेवल की पूछताछ इसमें होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी इनकाउंटर के मामले रहते हैं और खासतौर से पुलिस कस्टडी का जो इनकाउंटर रहता है उसकी व्यवस्था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, उसका सेक्शन 176(1) कैपिटल ए। फिर से मैं बता रहा हूं, सीआरपीसी में धारा 176(1)(a)(1)(k) इसको कह लीजिए, एक का कह लीजिए, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई इनकाउंटर होता है तो उस पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होनी ही होनी है। अच्छा, यानी कि ये जो इनकाउंटर विकास दुबे का हुआ है इस पे मैजिस्ट्रेट की जांच या सरकार की जांच नहीं होनी है, इस पर जांच होनी है मैजिस्ट्रेट की, जिसका ज्यूरिडिक्शन लगता है, जिसकी ज्यूरिडिक्शन में वो मरा। तो सीधी सी बात है कि जिस पुलिस स्टेशन का या जिसके ज्यूरिडिक्शन में मरा होगा वो इस पर जांच करेगा। और यहां तक केवल 176(1) कैपिटल ए नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट है 2014 का, और 2014 के जजमेंट को आर्टिकल 141 का स्टेटस दिया गया है। आर्टिकल 141 का स्टेटस का मतलब है कि वो अब कानून है। और मामला था PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मैटर था। सारे देश के को वहां रिप्रेजेंटेशन करवाया गया था, सभी स्टेटों को बुलाया गया था, सभी स्टेट ने अपना अपना वर्जन दिया। उसके बाद एक 16 पॉइंट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट में उसने कहा है कि अगर कोई इनकाउंटर हो जाता है और वो इनकाउंटर कुछ इस प्रकार से होता है कि पुलिस कस्टडी के बाद इनकाउंटर मिला, कस्टडी मिल गई उसके बाद इनकाउंटर हुआ जी, तो ऐसे मामलों में जांच पूरी तरह से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोग, जो लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों के हथियार तुरंत एविडेंस के रूप में जमा किए जाएंगे, उन लोगों को लाइन हाजिर करवाया जाएगा, उनको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई जाएगी जो मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा उसके 10 पॉइंट उसने दिए। तो अभी ये जो विकास दुबे का मामला है मुझे लगता है इस पर कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जो मीडिया कैमरे में दिखा रही है वो मुझे नहीं लगता कि वो उस क्रिमिनल जो इन्वेस्टिगेशन है उस लेवल तक पहुंच पाएगी। इन्वेस्टिगेशन करना अच्छी बात है, देश को सूचनाएं देना अच्छी बात है, सूचनाएं दे भी रहे हैं और प्रेमा फसाई जो मीडिया दिखा रही है उससे लग भी रहा है कि इसमें पुलिस के बहुत बड़े फॉल्ट हैं। ये दिख रहा है कि इसमें पुलिस के फॉल्ट हैं सर, और पुलिस ने शुरू से सामने आ रहे हैं सर, तो तैयारी सही से नहीं की थी और या फिर पुलिस को धोखा हो गया, जो भी हुआ हो। सर एक चीज सर, जिस दिन ये वारदात हुई है वहां एमपी में सर, वहाँ के जस्ट दो दिन पहले वहाँ के दो अधिकारियों का तबादला किया जाता है सर, जस्ट एक दिन दो दिन पहले की बात है सर, तबादला किया जाता है और ये जो विकास दुबे है ये यूपी से निकल करके वहाँ पहुँच जाता है, जबकि सर पूरे यूपी में ऐसे समझिए कि छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आखिर सर ऐसे माहौल में कोई कैसे निकल सकता है सर? अरे भैया आप निकल सकते हैं, कौन सी बात है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुंह पर मास्क लगा होता है और पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ 23 करोड़ है और सारे देश के लोग इधर से उधर घूमते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि वो निकल गया। गांव के रास्ते, देहात के रास्ते, सपोर्टर्स के रास्ते, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से वो निकल सकते हैं। निकल गया, लेकिन हमने ये ध्यान दिया होगा कि वो जहां जहां पहुंचता है वहां वहां पीछे से पुलिस रेट मार रही है ना लगातार। हाँ, लेकिन सर वहां भी भाजपा की सरकार है और जस्ट इसी कांड के दो दिन पहले या सर दो दिन पहले वहां दो बड़े अधिकारियों का सर तबादला किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां की भाजपा सरकार। तबादले हमारे देश में देख लीजिए, तबादले हमारे देश में एक रूटीन ट्रांसफर होता है, हर रोज एक स्टेट में अगर कुछ जाओगे तो हर रोज 10-20 तबादले होते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होता, वो को इंसिडेंट हो सकता है सर। कोइंसिडेंट की बात सही है सर, लेकिन उसी मंदिर के मुद्दे पर इन दोनों तबादले की वे जो अधिकारी होते हैं इनकी मीटिंग भी होती है सर। आप नहीं इसका कोई आपके पास कहां से एविडेंस आया मीटिंग होती सर, है? ये, है ये दैनिक जागरण की वेबसाइट से ये डिटेल नहीं, आप नहीं दैनिक जागरण और देखिए मीडिया चैनल जो बोलते रहते हैं उनसे नहीं होता, बाद में ये एक छोटी सी अपोलॉजी लिख देते हैं कि हमसे गलती हो गई। अब कल एक मीडिया चैनल लगातार चला रहा था कि भाई भौती में ही उसका प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर हुआ और भौती में ही इसका इनकाउंटर हुआ, ये को इंसिडेंट कैसे हो सकता है? अरे इसका इनकाउंटर भौती में हुआ है, उसका इनकाउंटर पनकी में हुआ था, पनकी वहां से दूर है काफी जी, लेकिन लोगों ने वो न्यूज चली चला दी, अब पूरा देश वही कह रहा है कि एक ही जगह पर दो इनकाउंटर कैसे हो गए, ये को इंसिडेंट कैसे, ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं चलता, ये हमारे कानूनी प्रक्रिया पर चलता है जी। अच्छा चलिए सर, दूसरा सवाल हम आपसे करते हैं कि सर बड़े बड़े जो नेता हैं वो कानपुर एनकाउंटर के बाद सवाल खड़े कर रहे हैं और सर जो जनता भी ये कह रही है कि खून का बदला अगर खून होने लगे तो भारत की न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। सर पहला सवाल से लिंक है ये, लेकिन ये जनता की आवाज़ है, तो फिर कानून व्यवस्था की जरूरत क्या है? सर लोग ये कह रहे हैं कि जो कानपुर एनकाउंटर है उसका ये कोई बदला है, ये सरकार की न्याय की उम्मीद नहीं है, ये न्याय भी नहीं है, तो सर जनता आखिर कैसे उम्मीद करे सरकार से? क्या सरकार की कार्यशैली पर भी इससे सवाल नहीं उठाए जा सकते? जनता सर लगातार ये सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और जो अपराध की कार्यशैली होती है उसमें क्या फर्क रह जाएगा सर? अगर खून का बदला खून से होगा तो हमारी न्यायपालिका की जो जरूरत है वो रह क्या जाएगी सर? नहीं बात आपकी जनता की भी बिल्कुल ठीक है और जनता को प्रश्न करने का अधिकार है, क्योंकि सरकार हमने चुनी है तो सरकार से प्रश्न हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। लेकिन दो पार्ट हैं, जुडिशियल पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट। जुडिशियल पार्ट में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट के सामने ये जस्टिफाई करने के लिए कि वाकई में जो पुलिस ने रिपोर्ट लगाई है वो सही है या गलत है, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर की। पुलिस के पास खास तौर से दो काम होते हैं, पहला काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और दूसरा काम है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सबमिट द रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, मतलब आफ्टर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करे और उससे पहले वो क्राइम को रोके। तो क्राइम को रोकते समय पुलिस को पूरे अधिकार होते हैं, सीआरपीसी ने और पुलिस रेगुलेशन एक्ट ने, पुलिस एक्ट ने पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि क्राइम को रोकते समय अगर कुछ इस तरह की अनहोनी घटनाएं होती हैं तो वो काउंटर में चला सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहां पर जो पुलिस का वर्जन है वो ये कह रही है कि हमने सेल्फ डिफेंस में चलाया, ये कोई काउंटर नहीं है, ये इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब है काउंटर उधर से आया तो फिर यहां से इनकाउंटर हुआ, अपनी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अब पुलिस का वर्जन ठीक है, सेल्फ डिफेंस में उसको गोली चलाने का अधिकार है और
पकड़ते समय सेक्शन 46 क्लॉज 3 में भी ये कहा गया है कि पकड़ने के लिए किसी भी जो जो सजा है मौत के केसेस में फंसा हो या उम्र कैद के केसेस में फंसा हो, पकड़ने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसकी हत्या भी हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो अरेस्ट है ये सेल्फ डिफेंस में है, ये पुलिस का वर्जन है। अब लोगों के प्रश्न इसमें ये हो सकते हैं कि भाई सामने सीने से गोली कैसे लगी। जी सर, इससे पहले सर आपसे एक सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे सेल्फ डिफेंस में, सर एक ऐसा अपराधी जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जो हाल में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी हो और फरार हो, तो सर क्या उसको गाड़ी में बिना हथकड़ी पहनाए लेकर आया जा रहा था जो वो सर पिस्टल छीन लेता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। असल में हमारे पास क्रिमिनल सिस्टम में एक फिक्स्ड मैटर है। पहला मैटर ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक सजा न्यायालय न दे दे तब तक उसको हम अपराधी नहीं मानते, और अभियुक्त को हथकड़ी न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चार्ल्स शोबराज का एक बड़ा जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कि उसको सजा न हो जाए, न्यायालय सिद्ध न कर दे कि वो अपराधी है, तब तक किसी को हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और अगर हथकड़ी लगानी है तो फिर हथकड़ी लगाने के लिए अनुमति होनी चाहिए, बिना अनुमति के हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर जो चार्ल्स शोबराज का जजमेंट है, इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने कभी भी देखा होगा किसी को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कमर पकड़ती है और गला पकड़ती है, लेकिन तो वो हथकड़ी नहीं लगाती। अब आपने हथकड़ियां नहीं देखी, हथकड़ियां सिर्फ सजायाफ्ता को लगाते हैं जिसकी सजा पड़ चुकी होती है। ठीक ठीक सर, तो इस पे एक सवाल हमारा और भी उठ जाता है कि सर अगर पुलिस का मकसद एनकाउंटर करना नहीं था तो सर गोली पैर में मारी जानी चाहिए थी, सीने में गोली कैसे लग सकती है सर? वो भी एसटीएफ की टीम, एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है। पुलिस का जो वर्जन है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा ना पुलिस की तरफ से, मैं उनका एडवोकेट हूं। जी पुलिस का वर्जन यह है कि उसने पुलिस वालों में से किसी एक पुलिस वाले की सोते हुए, क्योंकि रात भर के ये जगे हुए थे पुलिस वाले, यहां से गए जाकर आए, 24 घंटे का समय लगा होगा, ये थके और जगे हुए थे, जगे हुए सोए हुए किसी पुलिस वाले के अर्ध निद्रा में उसकी पिस्टल छीनी, और पिस्टल छीनी जब उसके हाथ में पिस्टल लग गई और वो लोडेड गन थी, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि वो भागेगा कि पहले गन दिखाएगा? पहले वो भागेगा कैसे? लोगों का वर्जन ये है कि पीठ पर गोली लगनी थी, ये करना था वो करना था, ये वर्जन मुझे लगता है कि पुलिस का बिल्कुल ठीक इसमें महसूस होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर सामने से बंदूक आपके सामने ताने खड़ा होगा या आपकी तरफ गोली चला रहा होगा तो आप क्या करेंगे? पैर देखेंगे कि उसको सीधा शूट आउट करेंगे, और वो भागेगा तब पीछे गोली लगेगी। लेकिन सामने से जो बंदूक लिए खड़ा हो और पीछे बैक साइड में चल रहा हो और सामने से वो रिवॉल्वर दिखा रहा हो या पिस्टल दिखा रहा हो, गोली चला सकता है, तो कहां गोली लगेगी? अब तो गोली मारने का जो तरीका इन मामलों में है वो हाथ में गोली मारी जाएगी ताकि पिस्टल उसकी गिर जाए, और या फिर ऐसी जगह पर गोली मारनी चाहिए, मारी जाती है जहां से वो गिर जाए, क्योंकि इसमें अगर उसने पैर में गोली मारी और जरा सा रिस्क लिया तो इतने में वो ढेर कर देगा सामने एक आध लोगों को। इसलिए ये जो पुलिस का वर्जन है जिसमें पुलिस ये कह रही है कि हम खड़े थे, इन्होंने मेरी पिस्टल छीनी, पिस्टल छीनकर हमारे ऊपर गोली चलाई, जिस गोली के काउंटर में अपनी सेल्फ डिफेंस में हमने गोली, तो जब सेल्फ डिफेंस पुलिस कहती है तो ये गोली सीने पर लगनी थी, और अगर पुलिस ये कहती है कि वो भाग रहा था और हमने पकड़ा तो फिर गोली पीठ में लगनी चाहिए थी, तो ये पुलिस को क्लियर करना पड़ेगा कि वो सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहे थे कि वो भागते हुए को पकड़ने के लिए गोली चला रहे थे। मतलब सर ये जांच का विषय है अभी? हाँ, ये जांच का विषय है और अभी इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी पुलिस ने कोई इस पर वर्जन दिया नहीं। पुलिस ने सिर्फ एक वर्जन दिया है कि हम सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहे थे। अच्छा, चलिए सर एक चीज हम आपसे इसमें और इसमें एक चीज ऐड करते हैं कि देखिए सर, प्रदेश में सपा की सरकार भी आई है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो बात करना जरूरी है उन पर। बसपा की सरकार भी आई है सर, 2001 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तो उसी समय एक भाजपा नेता जिनके पास राज्य मंत्री का दर्जा था उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी थाने में 17 पुलिस वालों के सामने। ठीक है सर, तो पुलिस वालों ने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया। तो सर एक ऐसे खूंखार अपराधी का जब एनकाउंटर किया जाता है तो क्या उन सारे केस जो पेंडिंग में पड़े हुए थे पहले से उनकी गवाही देने के लिए ये पुलिस वाले अब सामने आएंगे या इसमें कुछ सस्पेंस है? आपका क्या मानना है? भैया वो तो केस ही क्लोज हो चुका है, और केस क्लोज हो चुका है उस मामले में पुलिस ने गवाही देने से मना नहीं किया, मना नहीं कर सकते, वो
उस मामले में पुलिस वालों ने गवाही दी है, उन्होंने बीच में डिट्रैक्टेड गवाहियां दी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम देख नहीं पाए थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, इनके बीच में वार्ता चल रही थी या नहीं चल रही थी, क्या हुआ हमको पता नहीं है, ये बाहर के रूम में थे, ऐसे उनके सबके बयान उल्टे सीधे आए हैं, इसलिए गवाही देने से पीछे नहीं हटे। लेकिन संतोष शुक्ला मर्डर केस में ये बच गया क्योंकि इसके खिलाफ कोई सीधी गवाही देने वाला व्यक्ति नहीं था, जो जो आई विटनेस हमको चाहिए होता है, आई विटनेस नहीं था। हाँ, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक कही जा सकती है कि अब लोग बाहर निकल कर आए, जैसे उनके गांव में कल से लोग बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, कल से पहले गांव का एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं था लेकिन कल से लोगों ने बोलना शुरू किया, इलाके के लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया, इलाके के लोगों ने बोलना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि वो राज दफन कर गए, बहुत सारे राज उसके अंदर चले गए, वो मुझे लगता है ऑब्जेक्शन गलत है, क्योंकि राज जो निकलने की बात आती है ना कि वो उसके सांठगांठ किससे किससे थी, 2018 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी 2018 में, और 2018 से लेकर 20 दिसंबर 2019 तक वो पुलिस के पास ही था, और वो हाईकोर्ट नीचे पुलिस ने बेल उसकी कैंसिल करवाई है, हाईकोर्ट में 20 दिसंबर 2019 को उसकी बेल हुई, 1.5 साल तक वो पुलिस के पास था। अगर कुछ खोलने का, अगर कुछ दबाने के लिए पुलिस यहां पे मार रही होती तो वो पहले मार देती, वो 1.5 साल अपने पास क्यों रखती, 1.5 साल कस्टडी में था, जेल में था और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इसलिए ये वर्जन कि वो कुछ छुपाने के लिए, राज छुपाने के लिए इसको दबाया गया है या इसको इनकाउंटर किया गया है, ये इसमें मुझे लगता है दम नहीं है, क्योंकि 1.5 साल तक पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस के पास 1.5 साल तक था वो, और अभी बहुत पहले की बात नहीं है, दिसंबर 2019 की बात है, दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट की है तो 2-4-5 दिन बाद छूटा होगा, तो 2020 शुरू होने वाला है, 2020 के 2 महीने ही बीते थे तब तक ये एपिडेमिक आ गया कोरोना 2020 में, और आप देख ही रहे हैं कि सब पुलिस उसमें इंगेज है पिछले 3 महीने से 4 महीने से। तो ये कहना कि कुछ राज दफन करने के लिए ये किया गया होगा, मुझे लगता है इसमें बहुत जान नहीं है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में वो ऑलरेडी था। जी अच्छा सर, ये तो विकास दुबे की बात हो रही थी, सर ऐसे और भी बहुत सारे मामले हैं जो हमारे देश में चल रहे हैं। सर ऐसा ही एक ताजा मामला कोरोना से जस्ट पहले आया था, दिल्ली दंगा का, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, ताहिर हुसैन पे यूएपीए का सर इस पे धारा लगा दी गई है, और सर इन पे जो दंगे इसने कराए थे उसमें कम से कम सर 53 लोगों की जान चली गई थी, 200 से ज्यादा सर लोग जख्मी हो गए थे। तो सर क्या जो ये ताहिर हुसैन है इसके साथ भी ऐसा किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए कैसा किया जाना चाहिए, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जबरदस्ती मार दिया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो सर पुलिस को मारी देना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मामला बनेगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन होगा पता लगेगा, लेकिन पहली दृष्टि में तो अगर ये कानपुर में पकड़ जाता तो क्या ये सिचुएशन आती कि उसको लाना ले जाना, या खुद कानपुर के किसी कोर्ट में सरेंडर कर देता तो कुछ होता क्या? या जिस दिन उसको जिस दिन 307 का उसके खिलाफ मुकदमा नया हुआ था, ये बेल जो 2019 की मैं बता रहा हूँ, इस बेल के बाद 307 का नया मुकदमा हुआ, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर किसी के साथ किया, तो उस समय अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, थाने में FIR हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो जाता तो सरेंडर कर जाता, और सरेंडर कर जाता तो ये कुछ होता क्या? ये कोई संभावना भी नहीं बनती। इसलिए ये जो हम लोग बार बार कभी कभी बहक जाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे कर रही, दिल्ली में ताहिर का क्यों नहीं हुआ, ये सबका मामला अलग अलग है। अब कसाब को पकड़ा था उन्होंने, तो कसाब को पकड़कर लाया ले जाया, कहीं 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 कोई इंकाउंटर हुआ क्या? उसने भागने का प्रयास नहीं किया तो नहीं हुआ। मैं लगातार कह रहा हूं कि मैं पुलिस का कोई एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन पुलिस के वर्जन के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अभी तो उनका वर्जन यह है कि इसने मेरे ऊपर गोली चलाई, हमने सेल्फ डिफेंस में बचने का प्रयास किया। अच्छा, दूसरा वर्जन लोग ये कह रहे हैं कि उसकी टांग टूटी थी, शारीरिक रूप से कमजोर था, और इसके बावजूद, अरे गोली शारीरिक रूप से कमजोर वाले को थोड़ी ना देखती है, गोली तो एक स्ट्रेगर एक बच्चा दबा सकता है, उसके हाथ में पिस्टल है तो वो बच्चा, पुलिस का फॉल्ट ये है कि उनकी पिस्टल उसके हाथ में लगी कैसे? पुलिस इतनी जागरूक क्यों नहीं थी? पुलिस इतनी मतलब इतना खूंखार अपराधी को लेकर जा रही थी तो पुलिस कर क्या रही थी कि उसकी पिस्टल उसके हाथ लग गई? ये प्रश्न है पुलिस का कि ये उनकी लापरवाही और घोर लापरवाही, इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर आप खूंखार अपराधी को लेकर जा रहे हैं और आपकी पिस्टल उसके हाथ लग गई, कैसे लग गई? जी चलिए सर, ये जांच का विषय है। सर आपने कही कि आप ना पुलिस वालों की तरफ से बोल रहे हैं ना सरकार की तरफ से बोल रहे हैं,
लेकिन सर एक सवाल हम आपसे इसी में करना चाहेंगे कि सर आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ अधिकारी या कुछ नेताओं की जो मिलीभगत है वो उसके बारे में आपकी कुछ राय है सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसमें स्टेट लेवल की कुछ मिलीभगत होती तो ये इतना कमजोर प्लान नहीं बनाते, क्योंकि इतना कमजोर प्लान कोई भी, मेरी बात समझिए कि आप शाम को लेकर चले भाई मध्य प्रदेश के बीहड़ पड़ते हैं, मध्य प्रदेश के बीहड़ छोड़ दीजिए, चलिए उत्तर प्रदेश में आपको मरना था तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर झांसी का एरिया पड़ता है, वो पूर्ण वीरान एरिया है, वो वही एरिया है जो इन डकैतों का एरिया पड़ता है। यहाँ क्या नाम, बांदा, हमीरपुर और ये दतिया, ये सब ये बीहड़ एरिया है, यहां पर क्लीन करना बहुत आसान हो जाता। अगर पहले से कुछ व्यवस्था की गई होती तो फिर, और वहां पर रात भी थी क्योंकि वहां से तो रात में निकले होंगे झांसी के पास से, तो वो जो बिल्कुल निर्जीव एरिया है, पहाड़ी एरिया है, अगर इन्होंने पहले प्लान बनाया होता तो वहां क्लीन क्यों ना कर देते रात में ही, यहां दिन में लाने की इनको क्या जरूरत थी, और दिन में 7 बजे क्लीन करने की क्या जरूरत थी भाई, और वो भी ऐसे ऐसे स्थान पर जहां पर खूब चहल पहल रहती है, जहां पर बिजी, बहुत बिजी रोड रहती है और जहां पर शहर है अगल बगल। तो मुझे लगता है कि अगर पहले से कोई प्लान होता कि इसको मारना है तो फिर ये यहां भौती तक उसको ना लेकर आते, ये झांसी में एंट्री मारते ही, उत्तर प्रदेश में एंट्री मारते और मारते ही जो बीहड़ का एरिया है, रात में 3-4 बजे होंगे उस समय ये मार देते उसको जी। तो ये जो अच्छा कितनी कहानी आज चल रही है वो कहानी भी नहीं चलती, रात थी भाई, कोई देख ही नहीं पाया जी। अच्छा सर, आपने इसी जैसे कहानी की बात करी तो सर देखिए, जो इस समय भाजपा समर्थक जो लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं सर। बहुत से लोग ये लिख रहे हैं कि यूपी, जो यूपी पुलिस है, इसकी डर की वजह से, जो इसने जाल बिछा रखा था, इसके डर की वजह से इनको सरेंडर करना पड़ा, यानी जो दुबे इनको सरेंडर करना पड़ा। तो सर क्या मौलाना शाद की गिरफ्तारी का मामला ये यूपी गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए? क्या पता इनके खौफ में इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए? क्या राय है? वो उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, वो दिल्ली का मामला है। दिल्ली की पुलिस अलग है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसमें सहयोगी की भूमिका में हो सकती है, मेन भूमिका में नहीं है। मौलाना साद के मामले में मेन भूमिका में दिल्ली पुलिस है, इसलिए आप स्टेटों की पुलिस को एक साथ कंपेयर मत करिए। आपकी कोई नेशनल पुलिस नहीं है कि केंद्र सरकार के पास है, पूरे देश की पुलिस है। पूरे देश ये सवाल मेरा कंपेयर करने का नहीं था। अगर ये मेरी बात सुनिए, अगर ये डिफरेंस ना होता तो फिर आप अलग अलग स्टेटों के लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंपेयर कर पाते? हाँ जी सर, अलग अलग स्टेट्स के हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन सर यहाँ की यूपी पुलिस को ये कहती है कि, यहाँ के जो समर्थक हैं भाजपा के, वो ये कहते हैं कि यूपी पुलिस के बिछाए जालों में फंसती है, और वहाँ भी भाजपा की सरकार होती है जहाँ पे पकड़ा जाता है, वहाँ की सरकार इस पर अपना वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। तो सर ये सवाल हम उठा सकते हैं ना कि जब एक प्रदेश के द्वारा बिछाए गए जाल की उसी पार्टी को दूसरे पार्टी अपने वाहवाही लूटने पर जब तैयार हो जाते हैं, तो सर हम ये सवाल भी तो उठा सकते हैं कि मौलाना साद की गिरफ्तारी का मामला योगी सरकार को सौंप देना चाहिए? क्या पता इनके बिछाए जालों में फंस जाए? ऐसा नहीं होता। आप स्टेट से जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल को सौंपी जाती है, सेंट्रल की इन्वेस्टिगेशन स्टेट को नहीं सौंपी जाती जी। राज्य की इन्वेस्टिगेशन इधर से उधर नहीं ट्रांसफर होती। अगर आपकी किसी राज्य में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप सीबीआई को देते हैं, आप एनआईए को देते हैं मैटर। और स्टेट जो कर सकती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि जो साद वाला तबलीगियों का मामला था, सारे गिरफ्तार किए उन्होंने और सारे गिरफ्तार करके न्यायालय में हाजिर करवाए, वो हाईकोर्ट से बेल ले लेकर आ गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग जी। अब उन्होंने तो जो काम करना था, गिरफ्तारी वगैरह, उन्होंने करी ना पूरी जी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर क्वेश्चन नहीं खड़े करने चाहिए, क्वेश्चन खड़े करने चाहिए दिल्ली पुलिस के ऊपर कि दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर पाती। जैसा उत्तर प्रदेश एक्शन में रहती है, वैसी दिल्ली पुलिस एक्शन में क्यों नहीं रहती जी। दूसरा सवाल ये आता है कि दिल्ली पुलिस अगर यहां पर ये जो कर रही है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पुलिस कि इस तरह की जो काम है उस पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है जी। और मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो जो दिल्ली की पुलिस है वो करती तो काम होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, लेकिन सैंक्शन उसमें दिल्ली सरकार देती है। आपको याद होगा कन्हैया कुमार का मामला जी। जी याद है सर, कन्हैया कुमार पर सारे काम कर लिए पुलिस ने, लेकिन सैंक्शन नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। तो इन सभी मामलों में, जैसे शाहीन बाग का अगर तंबू हटाना है तो दिल्ली सरकार सैंक्शन देगी, वो सीधी पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले सकती
जी क्योंकि वो दिल्ली सरकार का एरिया है, इसलिए कोई भी एक्शन लेना है सेंट्रल पुलिस को तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से बिना कंसल्टेशन के नहीं ले सकती। अगर वो ले कर सकती है कुछ तो तभी कर सकती है जब सामने से गोली चले, सेल्फ डिफेंस में वो करे, जी क्योंकि उस समय सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सभी मामलों में सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, पड़ती है। ठीक है। अच्छा सर, जी देखिए, जो विकास दुबे का मामला है सर, इसको कई लोग धर्म और जाति से जोड़कर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। सर शहीद होने वाला कोई लिख रहा है, शहीद होने वाला ब्राह्मण है, एनकाउंटर में मरने वाला भी ब्राह्मण है, और भी बहुत सारी पोस्टें हैं ऐसी। तो सर इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जाति और धर्म की राजनीति करना सही है ऐसे मामलों में? आप मुझे लगता है कि वो सही से पूछ नहीं पा रहे। मैं बता रहा हूँ कि समस्या कहाँ चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस जाति में जन्म लिया वो क्षत्रिय जाति में जन्म लिया और ये ब्राह्मण था, इसलिए ये ब्राह्मण किलिंग है, ब्रह्महत्या है, ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। याद, मैं आपको एक बड़ा इंसिडेंट इसी तरह का बताता हूं। एक अपराधी हुआ करता था इंदरपाल जी, और उसकी जो मुजफ्फरनगर में उसका इनकाउंटर हुआ था 2018 में जी, उसके ऊपर 33 केस थे और उसके ऊपर पुलिस की हत्या करने का भी आरोप था कि रुड़की में या हरिद्वार के, पर रुड़की हरिद्वार के बीच में उसने पुलिस के कुछ अधिकारियों की हत्या कर दी थी दो, और वो जाति से क्षत्रिय था। उसका ओरिजिनल नाम इंदरजीत सिंह था और बाद लोग उसको जनरली इंदरपाल के नाम से जानते थे। बड़ा भारी केस था वो, और उस केस में भी इनकाउंटर हुआ था 2018 में जी। तो अब क्षत्रिय, अगर आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि मुख्यमंत्री क्षत्रिय जाति में जन्म लिया और उन्होंने ब्राह्मण मरवा दिया, तो फिर भाई इंद्रजीत को बचा लेना चाहिए था उनको। ये तमाम जो गुर्जर और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए हैं, ये सब क्षत्रिय थे, तो इनके इनकाउंटर कैसे? आप अगर उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर लगभग 3,000-4,000 के लगभग इनकाउंटर हैं, उन 4,000 इनकाउंटरों में लिखेंगे और उनके नाम देखेंगे तो उनमें 500-600 लोग ऐसे हैं जिनके सरनेम के आगे सिंह लिखा है जी, तो वो तो सब क्षत्रिय हो गए, क्षत्रिय हो गए, तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय एंगल कहां से निकाल दिया भाई लोगों ने? ये अपराधियों के मामले में ये कोई एंगल नहीं होता। और अगर आप कास्टिज्म ज्यादा फैलाते हैं, आप कहते हैं नहीं वो ब्राह्मण था और ये था मुझे बचाना चाहिए, तो कास्टिज्म हम फैला रहे हैं तो अगर दूसरा व्यक्ति कास्टिज्म पर, मुलायम सिंह और मायावती अगर कास्टिज्म पर लड़ते हैं तो इसका मतलब है वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो भी अपनी कास्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं हर मामले में। इसी कास्टिज्म को समाप्त करने के लिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट लेकर आए लोग, जिसमें जाति धर्म संप्रदाय लोगों ने देखा नहीं, और देखा भी तो दो ही चीजें देखी और हिंदू सारा इकट्ठा हो गया था। तो ये जो ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर, मुझे लगता है कि इस मामले में पुनर्विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन इसी तरह के गैंगस्टर इंदरपाल के मामले को साथ में कंपेयर करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न यहां पर ये क्षत्रिय ब्राह्मण का नहीं है, प्रश्न जो यहां पर बनता है वो ये है कि पुलिस ने जो उसको मारा है वो इनकाउंटर था या प्री प्लान था, ये मुख्य क्वेश्चन है। तो इसमें शक है बहुत सारे, और मुझे लगता है कि ऊपर से ये तैयारी नहीं थी, वो एसटीएफ की जो वो वाली टीम है जो इसको लेकर आ रही थी उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है कि उसने एकदम एट इंस्टेंट उनका मूड हुआ और उन्होंने कहा रास्ते में कि इसको निपटा देते। अगर ऊपर से प्री प्लान होता तो इसको उसको पीछे ही निपटा देते, यानी कि झांसी में निपटा देते, उरई में निपटा देते, या कानपुर देहात में एंट्री मारते समय निपटा देते, या झांसी से पहले के पीहड़ों में निपटा देते, रात थी उसमें कुछ पता नहीं लगता जी, तो दिन का इंतजार नहीं करते कि सुबह 7 बजे लोग वहां पर दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ा रोल जो मीडिया का है इसकी मृत्यु में, वो एंगल कोई नहीं देख पा रहा। कौन सा सर? मुझे बताइए, उरी का जब हमला हुआ जी, या जो पठानकोट का हमला हुआ जी, पठानकोट के हमले में और उरी के हमले में मीडिया वहां वो लेकर चली गई कैमरे, और बता रहे थे यहां आयुध रखे हुए हैं, यहां पर फला बैठे हुए हैं, यहां पर सिपाही लगे हुए हैं, और वो सारी टेलीकास्ट नेशनल न्यूज चैनलों पर चल रही थी, जिससे कि पाकिस्तान वालों को दोबारा यहां से कुछ लेने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्शन दे रहे थे आतंकवादियों को कैसे मरना है इनको। इसमें मैं आपको एक चीज बता, क्या ऐसे सेंसिटिव मामलों में जहां पर गुप्त रूप से व्यक्ति को लाना ले जाना चाहिए, वहां मीडिया को बिना अनुमति के उसका पीछा करना चाहिए?
और मीडिया पल पल की न्यूज दे रही थी कि भाई अब ये टोल नाके पर रुक गए हैं, अब ये चल दिए हैं, अब ये यहाँ पहुंच गए हैं, इस कोने पर पहुंच गए। सर वो हमारा सर मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए तब आपको समझ आएगा जी। तो ये जो मीडिया आप वहां से पूरी रिपोर्टिंग लेकर आए और पीछे साथ साथ लेकर आए, तो आप ये समझ लीजिए क्या हम ये जो नेशनल न्यूज चैनल कुछ दिखा रहे थे, ये न्यूज चैनल उस विकास दुबे के रिश्तेदारों, नातेदारों और गुर्गों को सूचना नहीं दे रहे थे कि हम कहां से निकल रहे हैं और कहां पर पहुंच गया है विकास दुबे? वो लाइव दिखा रहे हैं कि टोल नाके पर हमको रोक लिया गया है, ये आगे चले गए हैं। तो अब जब टोल नाके पर आपको रोक दिया, वो आगे चले गए हैं, आपने पूरे देश को बता दिया, उसके साथियों को बता दिया कि कहां पर है वो, और आगे से ये संभव है कि इस पर प्रश्न होने चाहिए कि वहां पर जो गाय और भैंसों का झुंड आ गया अचानक मेन रोड पर, वो कैसे आ गया भाई? कहीं वो मेन रोड पर जो झुंड आया वो कहीं उसके साथियों की चाल तो नहीं थी, जिसमें मीडिया ने अनभिज्ञता में दिखा दिया लाइव कि यहां से निकल रहा है, और उनको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग मालूम थी कि आप यहां से टोल नाके से निकला है और अब गाय भैंसे रोड पर ले आओ 5 मिनट में, और ये अचानक एक्सीडेंट होगा और ये सब हो जाएगा। तो ये भी तो प्रश्न है ना, इन पर भी प्रश्न होने चाहिए जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होनी चाहिए, अगर इसमें अपराधी हैं वो और उन्होंने ये प्री प्लांड करके किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नो डाउट, एज पर द पीयूसीएल जजमेंट इस पर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में, भारतीय संस्कृति में, डेमोक्रेसी में न्यायालय के अलावा किसी अन्य को किलिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता, चाहे वो सरकार क्यों ना हो। तो उस पर जांच होगी और ऑटोमेटिक जांच होगी, इसमें कुछ होना नहीं है। और 357 कैपिटल ए सीआरपीसी में एक प्रावधान है जिसमें यह कहा गया कि अगर यह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है तो फिर इस पर कॉम्पनसेशन की भी व्यवस्था बनती है, तो वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारी चीजें सामने आएंगी। अगर ये प्लान किया गया है एसटीएफ के द्वारा तो मुझे लगता है कि इस मामले में सजाएं होंगी सर, और अगर ये प्लान नहीं किया गया है और वो था तो वो इन्वेस्टिगेशन में निकल आएगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि देखिए इस मामले में योगी जी ने सिस्टम के खिलाफ जाकर के कहीं ना कहीं अपराधियों पर जो है लगाम लगाने की कोशिश की। सर मैंने योगी जी इसलिए बोला क्योंकि योगी जी की सरकार है। हाँ। मांग और सर इसकी मांग लगातार जनता ही करती आ रही है कि ऐसा होना चाहिए अपराधियों के साथ, तो क्या सर इस एनकाउंटर के बाद प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव होंगे या फिर भविष्य में जो अपराधी हैं वो अपराध करते समय उनमें इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? इसमें देखिए ये तो पक्की बात है कि इस ये किलिंग हो या एनकाउंटर हो जो भी हुआ, लेकिन मैसेज प्रदेश को साफ गया है कि इस सरकार के समय पर, योगी जी की सरकार के समय पर कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो इंदरपाल हो, चाहे वो कितना बड़ा बदमाश हो, बचेगा कोई नहीं, सरकार पीछे पड़ेगी। और सरकार अपना एक्शन लेते समय अगर उसको मारना भी पड़ा तो वो मारेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार को किलिंग करने का अधिकार नहीं है, उसको केवल अरेस्ट करने का अधिकार है। न्यायालय के सामने प्रेजेंट करिए और आप एविडेंस इकट्ठे करिए, लेकिन सरकमस्टांस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैसेज तो साफ है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कमिटेड है कि वो क्राइम खत्म कर देगी, लेकिन वो किलिंग करेगी ऐसी अनुमति नहीं हो सकती जी। चलिए सर, मैं और आप भी यही चाहते हैं कि प्रदेश हो, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि सर ऐसे घटनाओं में अक्सर कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनके ऊपर से किसी के माँ का साया हट जाता है तो किसी के पिताजी का साया हट जाता है। तो सर ऐसा हम और आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं हों, और सर उम्मीद यही करेंगे कि आगे जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लगाए, चाहे सरकार किसी की हो, आपराधिक घटनाएं कम होनी चाहिए। सर आपराधिक घटनाएं कम नहीं होनी चाहिए, अपराध मुक्त देश होना चाहिए, अपराध मुक्त होगा, अपराध मुक्त होना चाहिए, लेकिन अपराध मुक्त देश में जब आप एक्शन लेंगे तो लोगों को सवाल करने का अधिकार है, लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। अब यही काम अगर चीन में होता तो कोई बोलता क्या, यही काम पाकिस्तान में होता कोई बोलता क्या, यही खाड़ी में होता कोई बोलता क्या, भारत में डेमोक्रेसी है। सरकार ने छूट दे रखी है कि भाई आपको अगर प्रश्न करने हैं तो हम पर करिए, लोग प्रश्न कर रहे हैं, मीडिया को भी पूर्ण रूप से छूट है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, छूट मिली हुई है, ठीक है ना जी। चलिए सर, आपने जो हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए सर, उम्मीद यही करते हैं कि और जो लोग इस वीडियोस को देखेंगे उनको जो उनके मन में सवाल होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे, और आपको अपना जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया सर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। चलिए, थैंक यू।
इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।